और अयोध्या गैंगरेप मामले में बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लखनऊ में गर्भपात के बाद में पीड़िता अब वापस अयोध्या आ गई है। अयोध्या जिला महिला अस्पताल में पीड़िता का इलाज चल रहा है, तो एक प्राइवेट वार्ड में नाबालिग पीड़िता को भर्ती कराया गया है। अब तक की अपडेट के अनुसार पीड़िता का डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया जा चुका था, जबकि आरोपी सपा नेता मोहित खान और उसके सहयोगी का डीएनए टेस्ट होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में केवी शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केवी, बताइए आज का दिन कितना खास रहने वाला है पूरे मामले को लेकर, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं लगातार पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल भी कर रहा है, दूसरी तरफ बैक टू बैक एक्शन और कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, आपको हम बता दें कि पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए केजीएमयू के क्वीन मैरी में भर्ती कराया गया था, वहां पर उसका सुरक्षित गर्भपात कराया गया और वहीं पे डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भी लिया गया था। उसके बाद उसे जो है अयोध्या के जिला महिला अस्पताल में पुनः भर्ती करा दिया गया, क्योंकि गर्भपात के बाद उसे काफी कमजोरी हुई थी, कमजोरी को देखते हुए जिला अस्पताल को भर्ती कराया गया है। प्राइवेट वार्ड में सुरक्षित भर्ती कराया गया, जहां पर महिला सुरक्षाकर्मी को सुरक्षा के लिए लगाया गया। कुल मिला के जो अपडेट आ रहे हैं कि वो डीएनए के टेस्ट, दोनों जो आरोपी जेल में बंद है उनका टेस्ट लिया जा चुका है, पीड़िता किया गया है, तो कुल मिला के रिपोर्ट का इंतजार है। बाद में कार्रवाई की तो भदरसा में निरंतर कार्रवाई चल रही है, वहां पे जितने भी सरकारी जमीनें हैं उनको खाली करवाया जा रहा है, यहां तक कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी कल अनाउंस कराया गया कि जो भी सरकारी जमीनें हैं वो तुरंत खाली कर देगा, नहीं खाली करते हैं तो फिर प्रशासन कार्रवाई करेगा। तो ऐसे में जो वहां पे स्थानीय लोग हैं कुछ ना कुछ खुद को खाली करना है, कुछ ऐसी जमीनें हैं जो प्राइमरी स्कूल की है, जहां पर खेल का मैदान, वहां पर सब्जी मंडी फल मंडी लगती है, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा वहां पर बहुत ज्यादा है। जिस तरह से चेयरमैन की बात की तो चेयरमैन मोहम्मद राशिद पर भी धमकी देने का केस दर्ज हुआ था, तो उनके जो समर्थक है उन लोगों ने भी सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए रखा है, तो प्रशासन निरंतर कार्रवाई कर रहा है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हाथरस में रफ्तार का कहर सामने आया है, ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार एक लड़के की मौत हो गई है और दूसरा लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया, घायल को अलीगढ़ रेफर किया गया है। हादसा सिकंदरा राव रोड पर पुलिस लाइन के पास हुआ है।